मन हो गया। सो हम लोगों की चल रही है मस्ती, क्योंकि रुदान की चल रही है साइकिल, सो उसको मैं पकड़ रही थी पीछे पीछे भाग के। अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मेरी ड्यूटी लगने वाली है किचन में, क्योंकि मैं अभी कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ खाने में। इसने पहले ही बता दिया, पहले ही रिवील कर दिया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो मेरा प्लान है आज कुछ अच्छा अच्छा सा बनाने का, क्योंकि पूरी ठंडी निकल गई, मैंने कुछ अच्छा नहीं बना पाया इस बार। सो मेरा प्लान आज कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ना गाजर का हलवा बनाऊंगी, जो कि मैंने गाजर को ग्रेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। सो ये 2 किलो गाजर है जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा और रुद्रांश को बहुत 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 मीठा पसंद है, इसलिए गाजर का हलवा बनेगा। और सच बताऊँ गाजर का हलवा भी मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ, अभी पूरा ठंडी निकल गया तो मैंने गाजर का हलवा भी नहीं बना पाया। हम लोग जब ठंडी की स्टार्टिंग थी ना, तो हम अपने घर चले गए थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने एक अपडेट दिया था कि मेरी जो दादी सास है ना वो एक्सपायर हो गई, तो हम लोग घर चले गए थे, वहाँ पे रुके कुछ टाइम के लिए। फिर मम्मा आपकी दादी सास नहीं थी, पापा की दादी थी। हाँ, तो मामा की सास मामा थी ना वो। हाँ, सो हम लोग घर चले गए थे, फिर उसके कुछ टाइम बाद हम लोग आए। सो अभी मैंने फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना स्टार्ट किए हैं। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, और वैसे तो मोस्टली सब लोगों को आता है गाजर का हलवा कैसे बनता है, सो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं एंड थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे गाजर का हलवा बनाती हूँ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। सो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ढेर सारा घी डाल देती हूँ, और ये है इलायची पाउडर, इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि अगर ना घी में इलायची पाउडर डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे घी एंड इलायची पाउडर दोनों डाल, जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी हुई है वो डालेंगे। जब से गाजर मैंने ग्रेट किया जब से उसका यही काम चल रहा है। तो चलिए इसको पहले ऐड कर देते हैं हम गाजर को। अब इसको थोड़ा सा ना घी में अच्छे से भून लेंगे, और जो भी इसमें पानी होगा ना गाजर में वो अच्छे से सोख जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप क्या करोगे देख के, बड़े होके बनाऊंगा। अच्छा, बड़े होके गाजर का हलवा बनाओगे? हाँ। और कुछ नहीं बनाओगे? दूंगा। किसको खिलाओगे गाजर का हलवा बना के? मम्मा। मम्मा मेरे लिए नहीं खिलाती। आप किसको खिलाओगे? मम्मा तो आपके लिए बनाती है, आप किसको बना के खिलाओगे बड़े होके गाजर? पापा और मम्मा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर डाल दी है, खोया ऐड नहीं करूंगी इसमें, दूध अकेला डालूंगी। दूध मैंने फुल क्रीम है ना, जो दूध मंगा के रखा हुआ है, फुल क्रीम दूध का मैं हलवा बनाने वाली हूँ। मैं गाजर का पूरा पानी सोख गया था, उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, और बस अभी इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक अच्छे से इसमें दूध सूख नहीं जाता है तब तक इसको पकाएंगे। और दूध मैंने काफ़ी अच्छा मलाई वाला जो दूध था ना वो डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा हमारे हलवे में टेस्ट आ जाएगा। अभी इसको स्लो पे हम पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, ये है क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर। हाँ, बीटरूट, ये है बीन्स, बीटरूट, बीन्स, गाजर, मटर एंड गोभी, इतनी सी सब्जियाँ हैं जो मैं डालने वाली हूँ पाव भाजी में। इन सारी सब्जियों को अभी मैं कुकर में डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, हल्दी, पानी, 1 चम्मच इसमें मैं पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगी। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ मैं ऐसे, और इसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, 2 सीटी लगाने तक हम पका लेंगे। ये है रुदांश की गाड़ी, गाड़ी बोले तो ट्रैक्टर है ना ये, ये इसकी ट्राली है एंड ये ट्रैक्टर है। सो ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा। रुदांश अभी अपनी नानी के घर गया था ना, तो उसकी नानी ने उसको ये ट्रैक्टर दिलाया था। सो नहीं, नानी ने दिलाया था।
सो ये ट्रैक्टर घर के अंदर चलता रहता है सारा दिन, है ना। सो हलवा हमारा बन गया है, ये देखिए दूध पूरा सूख गया है इसमें, और इसमें इसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। फाइनली हलवा बन के रेडी हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना यम्मी यम्मी सा दिख रहा है ना हलवा। तो ये देखिए सब्जियां भी कुक हो गई हैं, इनको मैश कर लेते हैं, और कलर देखिए कितना अच्छा आया चुकंदर की वजह से। बिल्कुल बन गया, रेडी हो गया, उसको मैंने उतार दिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है क्योंकि अभी हम बनाएंगे भाजी, और भाजी के लिए मैंने थोड़ी बहुत और सब्जियाँ जो थी मैंने वो चॉप कर ली हैं। ये है शिमला मिर्च, और एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी वो ले ली है, उसको बारीक कट कर लिए। एंड ये दो बड़े टमाटर थे वो ले लिए थे, सो उसको भी चॉप कर लिए। और यहाँ पे ढेर सारी मैंने प्याज ले ली है, सो प्याज चॉप कर ली है। जो सब्जियाँ बॉयल होने के लिए रखी थी ये बॉयल हो गई हैं, एंड मैंने इनको मैश कर दिया अच्छे से मैशर से। और अभी कढ़ाई में हम घी डालेंगे और अपनी भाजी बनाना स्टार्ट। प्याज के साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी ग्रेट कर लिया है, और कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, और घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ये प्याज जो चॉप की हुई है इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, प्याज हल्की सी भुन जाएगी उसके बाद बाकी की ये सब्जियाँ डालेंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं भाजी के लिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, एंड ये है धनिया, धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है। एक चम्मच भर के यहाँ पे मैंने फिर से पाव भाजी मसाला ले लिया है। सो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है भाजी के लिए। प्याज का यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर एंड शिमला मिर्च दोनों को एक साथ डाल दूंगी, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूंगी। टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से गल गए थे, और उसके बाद फिर जो कटोरी में मैंने मसाला बना के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। मसाले को भी एक मिनट तक हल्का भून लिया था, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जियाँ कुकर में मैश की हुई रखी थी उन सबको डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आलू लिया था बॉयल किया हुआ, वो भी डाल के उसको भी अच्छे से मैश कर लिया था। और यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ डाल के उसको अच्छे से मैशर से मैश कर रहे हैं, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आए। सब्जियाँ जितनी ज़्यादा मैश होगी उनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सो यहाँ पे भाजी एक तरफ बन के रेडी हुई, दूसरी तरफ हम पाव को भी भून लेते हैं। हल्का सा घी डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा पाव भाजी मसाला एंड भाजी डाल दी है, और बस इन सबको घी के साथ हल्का सा सेक लेंगे, इससे कि भाजी के साथ पाव का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। सो यहाँ पे भाजी रेडी है, पाव रेडी है, बस खाएंगे। और बहुत टेस्टी टेस्टी सी भाजी बनी हुई थी, कलर देखिए कितना अच्छा आया उसका, एकदम जो हमने बीटरूट डाला था ना उसकी वजह से बहुत अच्छा सा कलर आ गया था उसमें। और यहाँ पे देखिए भाजी रेडी है, पाव रेडी है, और ये भी आ गए थे थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाने के लिए। हेल्प क्या, इनको खाना था इसलिए आ गए थे। सो देखिए यहाँ पे पाव और भाजी दोनों रेडी है। हमारी पाव भाजी बन के हो गई है रेडी, ये देखो पाव भी सेक लिए एंड भाजी भी बन गई है, और साइड में ये प्याज और नींबू रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें मैंने बटर और डाल दिया है। चलिए पतिदेव को देते हैं और टेस्ट करवाते हैं कैसा बना है। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने पाव भाजी वगैरह सब खा लिया, और काफ़ी टेस्टी बनी थी। सो क्या कर रहे हो, कहाँ रखे बैलून? नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, चोट लग जाएगी। अरे चोट लग जाएगी, सामान भी गिरेगा और एंड चोट भी लग जाएगी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहले बैठो इधर, अगर उधर इसके बाल आ गए हैं थोड़े, तकलीफ हो गई थी ना दादी दादी जी की, एक्सपायर नहीं थी ना। क्यों नहीं हुई, पापा की भी हो गई, बॉयज लोगों की होती है, लड़की लोगों का क्यों नहीं होती, लड़की लोगों का नहीं होता है। सरोदांश की टकली हो गई थी, और अभी उसके बाल आ गए हैं थोड़े थोड़े, तो अब ठंडी भी नहीं लगती होगी। उसी टाइम पे ठंडी भी थी, और उसी टाइम पे रोदांश के बाल भी कट गए थे, मुंडन हो गया था, मतलब टकली हो गई थी पूरी, सो उसको ठंडी भी बहुत लगती थी। और दादू ने करवा दिया जानबूझ के। अच्छा दादू क्या बोल रहे थे? दादू बोल रहे थे टकली करवा लो अपने, तो दादू ने भी तो करवाई थी, दादू ने, पापा ने, चाचू ने, आपने सब ने तो करवाई थी। अरे सब फैमिली वाले करवाते हैं, नाना लोग थोड़ी ना करवाते हैं। जनरेटर चलाला। अच्छा आता भी है चलाना, कैसे चलता है जनरेटर? चल गया। देखा है आपने जनरेटर? हाँ। कहाँ देखा? आ,
वहाँ जब दादी एक्सपायर हुई थी ना, वही जनरेटर था और चलाना भी सीखा सीखा है आता है उसको कैसे जनरेटर से क्या होता है लाइट बिज लाइट कनेक्ट करते चलो सही है। सो गाइस अभी हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। और कल का थोड़ा सा बात करें, कल का हमारा कुछ प्लान है तो कल के ब्लॉग में मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। आज मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है, कैमरा नहीं पकड़ पा रही हूँ। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल का हमारा कुछ प्लान है। सो वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्या प्लान है, कैसा क्या होता है। और आज की इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक शेयर करना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको चलाना है।